हमेशा हम अपने पावर पैक दिन की सॉलिड स्टार्ट के लिए स्नैक्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ बैलेंस्ड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच कीप्स यू गोइंग टिल द एंड ऑफ द डे। इसीलिए एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी डिश बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब बनाऊंगी कुछ ऐसा ही, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक परांठे। बट जब वो रेसिपी कंप्लीट होके प्रेजेंट होगी तो वो होगी टोटली स्मैशिंग एंड स्टाइलिश। So let's make parathas with a twist. तो पहले पराठे का आटा गूंथते हैं और मैं ये करने वाली हूँ in my fancy food processor, जो आटा भी बनाता है, chopping, cutting, puring, mixing, grinding सब। मैं इसमें डालने वाली हूँ आटा, नमक, को बंद कर देते हैं और इसमें डालेंगे पानी। तो इसको ऐसे लगाते हैं। आई थिंक इट्स रेडी, चेक करते हैं। हियर वी आर, परफेक्ट आटा का डो। अब इस आटे के हम छोटे छोटे बॉल्स करने वाले हैं और पराठे की स्टफिंग इसमें डालने वाले हैं, लेकिन उसके पहले स्टफिंग तो बना लेते हैं। ये मेरे पास है ऑलरेडी मैश्ड पोटैटो, अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ है। इसमें हम डालेंगे मैश्ड पीस। बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, ये जो मेरे पास है ये रोस्टेड अनार के दाने हैं जो एक क्रंच देने वाले हैं, नमक, पुदीना, और इन सारे चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा स्टफिंग तैयार है, लेकिन इसको मैं सिर्फ पराठे में नहीं, कुछ और भी करने वाली हूं। आई एम गोइंग टू मेक लिटिल टिक्कीज आउट ऑफ दिस स्टफिंग। इसको अच्छी तरह से गोल बनाए, कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा आटा, तो इसको थोड़ा सा भर देते हैं हमारे स्टफिंग के साथ। जब मैं छोटी थी मैं स्टफिंग को अकेला खाती थी ऐसे ही, बिफोर इट कुड गेट स्टफ्ड इनटू एनी पराठा। और इसको ओके, आई थिंक ये तैयार है। क्रिस्टल तवे पे डालेंगे थोड़ा सा तेल और इस पर पराठा भी सेकेंगे और टिक्की भी बनाएंगे। डालेंगे पराठा, मैं ये पराठा टर्न करने वाली हूं। तो हमारा पराठा ऑलमोस्ट हो गया है और इसके साथ हम ये छोटी छोटी टिक्की भी देंगे। नीचे से भी हो गया है, That's done. हम टिक्की को फ्राई करेंगे।
इसी को हमें लाइटली ब्राउन करना है। उस टाइम में मैं अपने पराठे को वेजेस में काटती हूं। उस पे डालेंगे हमारी आलू टिक्की। That's ready, my paratha and aloo tikki with a twist. Paratha with a twist बनाने के लिए food processor में एक कप आटा, स्वाद भर नमक, जरूरत भर पानी डालकर इसे गूंथ लें। एक बोल में 3 मीडियम उबले आलू, आधा कप उबले हरा वटाना, एक बारीक कटा प्याज, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच रोस्टेड अनार के दाने, स्वाद भर नमक, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा पुदीना डालकर इसे मिक्स कर लें। अब आटे को बेल लें और उसमें आलू के मिक्सचर को डालकर इसे बेल लें और साथ ही में कुछ टिक्की बना लें। एक पैन में एक छोटा चम्मच तेल डालकर गरम करें और पराठों को सेक लें। टिक्की को भी दोनों साइड से पका लें। पराठों को 4 हिस्सों में काट लें। एक प्लेट में पराठे और टिक्की को निकालें। पाइपिंग बैग की मदद से बंधी दही और अचार को प्लेट में डालें और सर्व करें।